भीलवाड़ा जिले के आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 1475 पेटी शराब जब्त कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी होने की सूचना पर आबकारी दल द्वारा जोरदार चौराहे के निकट नाकाबंदी की गई। इस दौरान अजमेर की ओर से आ रहे एक ट्रक को रुकवा कर तलाशी लेने पर उसमें अरुणाचल प्रदेश में बिकने वाली गोवा प्रीमियम विस्की की 1330 पेटी व पार्टी स्पेशल प्रीमियम विस्की की 145 पेटी बरामद हुई। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 51 लाख रुपये बताई गई है। आज सुमेरे में जाब्ते के साथ समुद्र चौराहे पे नाकाबंदी में खड़ा था संविदावान के साथ, जब मुखबिर खास से इतला मिली कि एक ट्रक नंबर 100 के अंदर भारी मात्रा में अवैध शराब भरकर अजमेर की तरफ से आ रहा है और चित्तौड़ की तरफ जाने वाला है, जिस पर हम उनका वेट करते रहे। फिर करीबन 7 AM पर ट्रक हमारे को आता हुआ नज़र आया, जिसको रुकने का मुखबिर की खास इत्तला पर ट्रक को रुकने का इशारा दिया, रुकवाया और उसके अंदर जो चालक था बलविंदर सिंह और दूसरा खलासी इस्माइल, दोनों को नीचे उतार कर उनका नाम पता पूछा, तो एक ने बलविंदर दूसरे ने इस्माइल बताया। ट्रक में क्या भरा होने के बारे में पूछा तो उन्होंने परचून का सामान भरा होना बताया। फिर मुखबिर की खास इत्तला से अवगत कराकर थोड़ा दबाव डालकर पूछा और तिरपाल हटाकर चेक किया तो अंदर हमारे को अवैध अंग्रेजी शराब भरी हुई दिखाई दी। जब उनको परमिट या पास के बारे में पूछा तो उन्होंने नहीं होना बताया। फिर हमने मौके की कार्रवाई पर वहीं पर मौके पर कर दोनों मुलजिमों को हिरासत में लिया और अभी आगे अग्रिम अनुसंधान जारी है। ये शराब की कीमत कितनी बताई जा रही है? शराब की कीमत अनुमानित अभी 51 लाख रुपये आके गई साहब। और कितनी पेटियाँ थी और कहाँ की थी साहब? ये विभिन्न ब्रांड की शराब है, कुल 1475 पेटी है जब्त की हमने, और एक ब्रांड तो फोर सेल इन अरुणाचल प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने उज्जैन से चबली मार्ग के फोरलेन चौड़ीकरण को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में कलेक्टर को प्रधानमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिले के श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश सचिव नजीर अहमद के साथ उनके पदाधिकारी उपस्थित रहे। एक ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम, जिसमें यह बताया गया है कि उज्जैन से जो चौली मार्ग फोर लेन मंजूर हुआ था, लेकिन ये राजनीतिक भेंट चढ़ चुका है, कहीं ना कहीं ग्रुपबाजी को लेकर इस रोड का जो है परिवर्तन कर दिया गया है, जिससे आगर ही नहीं पूरे जिले में जनता में भी आक्रोश है कि ये रोड फोर लेन जो है इसको आगर होते हुए निकाला जाए, ताकि आगर की जनता को राहत मिले। और जो ये फोर लेन निरस्त किया गया है, इसको लेकर सभी संस्थाएं और सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन भी आंदोलन कर रहे हैं और उसको हम लोगों का भी समर्थन है। और आज श्रमजीवी पत्रकार संघ जिला इकाई आगर की ओर से भी जो ज्ञापन दिया गया है, जिसमें मांग की गई है कि फोर लेन जो निरस्त किया गया इसको आगर होकर ही निकाला जाए और फोर लेन आगर होकर ही बनाया जाए। बरेली में भारतीय राष्ट्रवादी दल के समस्त कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित राठौर के नेतृत्व में अम्बेडकर पार्क में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने कमलेश तिवारी का सर कलम करने वाले व हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। पुतला दहन के पश्चात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आतंकवादियों पर सरकार को तत्काल पाबंदी लगानी चाहिए। मेरा नाम अमित राठौर है और मैं भारतीय राष्ट्रवादी दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जो कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई है उसके विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया कराया है। यहाँ पे एक संगठन है अल हिंद ब्रिगेड नाम से, जिसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। दूसरा वो मौलाना जिसने 51 लाख रुपए का इनका सर कलम करने पर इनाम रखा था। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि इन दोनों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ऐसा मौलाना जो सामूहिक रूप से मीडिया में खड़े होकर के किसी को सुपारी किलर बना रहा है, इसको बीच चौराहे पे फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि ऐसी जरूरत कोई भी कर ना सके और किसी की आगे चल के किसी भी हिंदूवादी नेता की हत्या ना हो पाए।
जहांगीराबाद में शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में चल रही प्रदेशीय 65वीं माध्यमिक विद्यालय की 4 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता के समापन के दिन मुख्य अतिथि एडीएम रविंद्र कुमार ने प्रतियोगिता के समापन पर मां सरस्वती की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्वलित किया। कॉलेज के प्रबंधक सुरेश अग्रवाल व प्रधानाचार्य सीपी अग्रवाल ने मुख्य अतिथि को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। एडीएम ने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। पाइट एडीएम रविंद्र कुमार बुलंदशहर व सूरज सिंह मेरठ टीम के कोच संदेश देना चाहती हैं कि जो 65वीं कुश्ती स्टेट लेवल की प्रतियोगिता थी जिसका आयोजन ऐसे कॉलेज में जहांगीराबाद में हुआ था, रियल में बहुत ही पारदर्शी ढंग से किया गया है और मेरठ मंडल ओवरऑल चैंपियन भी रहा है। मैं छात्रों को ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो खेल विधाओं में आगे बढ़ रहे हैं अगर वो जीते हैं तो और आगे प्रयास करें, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल जाएँ, और जो इस बार हार गए हैं वो हारने का मतलब ये नहीं कि उनका ख़त्म हो गया सारा प्रयास, अगेन ट्राई आगे बढ़ें। और मैं प्रिंसिपल साहब की और मैनेजर साहब की भूल प्रशंसा करूँगा, उन्होंने स्टेट लेवल की प्रतियोगिता यहाँ आयोजित करा करके बुलंदशहर स्पेशली बुलंदशहर के बच्चों को एक नई दिशा नया संदेश दिया कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। हाँ जी बताओ। अरे इन बच्चों की हौसला आप जाएंगे कर रहे हो। शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज में ये मेरठ मंडल का एक विद्यार्थी प्रतियोगिता में हारा जीता जाएगा। हमारे साथ हैं मेरठ मंडल के कोच, हमसे बात करते हैं। करनी है उसके बाद भेजूंगा। क्या नाम है आपका? सूरज। ताकि हेलो इंडिया में भी जीत के आए उसकी भी तैयारी करनी है। ये एनसीसी कैडेट से क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहेंगे सर? हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मैं भी सुबह 4 बजे इन्हें उठा देता था और सुबह 4 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद दोपहर में मैंने शेड्यूल दिया इनका 12 से 2 बजे के बीच और फिर 5 बजे से 7। हेलो, ये हमारे जो छात्र यहाँ हैं गोल्ड मेडल वाले, सिल्वर वाले और सभी, ये बहुत दूर दूर से आए हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारे जिले के श्री रायत भारद्वाज जी से, वो इनके लिए 200 कहें ताकि भविष्य में अच्छे खिलाड़ी बन सके। इनको एक मेरठ में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला थाना प्रतापपुर थाना क्षेत्र के मूड बराल गांव का है, जहां उधार के रुपए मांगने पर आरोपी युवक ने अपने ही पड़ोसी युवक पर तमंचे से जानलेवा हमला कर दिया। भैया आपका क्या नाम है, आप कहां रहते हैं और क्या घटना हुई है? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा, गोडवा रहता हूँ। मैं खेत का पानी कर रहा था, मेरे एक आदमी के पैसे थे, मैं उसके पास तक आते गया परसों, तो उन्होंने आज फोन करा कहाँ है तुम? मैं तो खेत पर हूँ, सड़क पर आ जा पैसे देंगे। मैं कहने लगा मैं सड़क पर नहीं आ रहा, मैं तो तू खेत पर आ जा। उन्होंने कहा तो किस जगह खेत पर? मैं यहाँ हूँ खेत पर। तो वो खेत पर आ गया और खेत पर आते जो है उन्होंने जो है मेरे जेब में से मोबाइल छीना उन्होंने पहले, और मोबाइल छीन के जो है उन्होंने धड़ाधड़ गोली चलाई, उनको आज पैसे देंगे अगर मैं तुरंत दीमा को भागा। फिर मैंने 100 नंबर पर फ़ोन करा, फिर गाँव में फ़ोन करा। अच्छा, ये विवाद लगभग कितने रुपये का है? ये विवाद क्या है, हमने सर 2,13,000 रुपये की तो भैंस दी और 2,00,000 रुपये नकद दिया हमने सर, 4,13,000 रुपये उसका हमारे। क्या मौके से कोई खोके या कुछ मिला है? मौके पर सर एक तो साबुत खोखा मिला है और एक खोखा खाली मिला है, और जो चराई है इनके तो घास फूस में गोली खोखे वहाँ। कहाँ है? कहाँ है वे चौक के इंचार्ज भी है। फायरिंग करने वाले कितने लोग थे? फायरिंग करने वाले 4 लोग थे, 4 पिस्टल थी और शराब सब भर लेते।